वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक़ कादरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, पूरे मुल्क के पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं और साथ साथ ये जो अदम बर्दाश्त है माशरे में, जो पुरतशद्दुद वाक़यात है, वो इस माशरे के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए जहाँ पर हम एक इंतज़ामी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, वहाँ पर यह भी ज़रूरी है ना कि हम नज़रियाती तौर पर भी इस मसले को डील करें। आपकी बात सही है, ये जो तशद्दुद का इस किस्म का जो लहर है और इस तरह की हैवानी और बहमाना जो कार्रवाइयाँ हैं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या कानून नाफिज करने या कानून बनाने से इसका हल मुमकिन नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़े फिक्री और तरबियती निज़ाम की भी ज़रूरत है। और मैंने तो रात को कुछ शख्सियात के साथ, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन नाब डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब थे, पीर नकीब उर रहमान साहब थे, मैं इस्लामाबाद में उनसे मिला था, तो उनसे मैंने यही डिस्कस किया था कि क्यों ना इस हवाले से एक कोई ऐसा फोरम, एक कमीशन बनाया जाए जिसमें तमाम तबक़ात ज़िंदगी से मजहबी क़ियादत भी उसमें शामिल हो, सियासी शख्सियात भी हो और मीडिया के नुमाइंदे भी हो, कला भी हो, मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी से, और इस हवाले से कोई एक नेशनल लेवल का ऐसा कैंपेन चलाया जाए जिसमें ये बावर कराया जाए कि इस तरह की कार्रवाइयाँ किसी भी गैर मुस्लिम के साथ क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता या इस पर भरपूर तवज्जो नहीं दी जाती तो ये हमारी अंदर की जो मजहबी मुनाफ़तें हैं और इंतशार है, इसको बहुत बड़े हद तक फैलाएगा और बढ़ाएगा, जो कि किसी भी हवाले से मुल्क की मुस्तकबिल और सलामती के लिए नेकशगुन नहीं होगा। कादरी साहब, ये जो कल वाक़या हुआ, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, किसी भी तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, या किसी भी तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये इजहार था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, इश्क का? कहीं जी कहीं पे नहीं, क्योंकि कल का वाक़या तो एक ऐसा इंसिडेंट है कि जब कल मैंने पंजाब इंतज़ामिया से, डीसी सियालकोट से बात की, मैंने उसे कहा कि कहीं पे इसके पीछे आपको नज़र आता है कि किसी मौलवी ने फतवा दिया हो या किसी मदरसे से इस हवाले से कोई बात की गई हो या किसी मस्जिद में इस पे बात की गई हो या किसी दीनी शख्सियत ने इस हवाले से शोला बयान तकरीर किया हो जिसकी वजह से लोग इश्तिहाल में आकर इस तरह रिएक्ट कर गए, तो उसने बताया कि ऐसी किसी चीज़ का हमारे इल्म में कोई बात नहीं, बल्कि कल से जितनी भी मजहबी मुमताज़ शख्सियात है, मसलन हमारे मुल्क की बहुत मुस्तनद इल्मी शख्सियत है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनका भी बहुत सराहत के साथ स्टेटमेंट आया है। बाकी मजहबी तबकात ने सबने इसको कंडेम किया है और इंशाल्लाह ताला इसकी तहकीकात होगी। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है बनफ्स नफीस इसको देख रहा है, तहकीकात होगी कि इसके पस पर्दा वो अवामिल और असबाब क्या है, क्योंकि ये मौब जो था, ये इश्तिहाल जो था, ये तो बिल्कुल वहीं पे ये क्रिएट हुआ और वहीं पे उन्होंने बगैर तहकीक के, बगैर सबूत के, बगैर किसी हकीकत को जाने हुए इस तरह का एक एक्शन किया। बिल्कुल काबिल तशवीश और बहुत फिक्र की बात है। देखिए कादरी साहब, कल बेशक कोई ऐसा वाक़या ना हुआ हो जिसमें किसी ने इश्तियाल दलाया हो, कोई तकरीर ऐसी भी हो जिससे लोग मुश्तइल हो गए हो, लेकिन इससे पहले अगर देखें तो काफ़ी अरसे से ये रवैया तो हमारे माशरे में बड़ा आम है कि कोई सियासी जमात हो, कोई ग्रोह हो, वो सड़कों पे निकलते हैं, अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करते हैं, अपने आप को ज़्यादा बड़ा आशिक रसूल साबित करने की कोशिश करते हैं। उसी बुनियाद पे वो रियासत को चैलेंज भी करते हैं, रियासत उनसे बात भी करती है, मुज़ाकरात भी करती है। तो ये रवैया तो है हमारे माशरे में जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल इस पर आपके साथ एग्री करता हूँ कि हमारे जो रवैयों में तशद्दुद आ रहा है और मुसलसल हम एक हमाहंगी और एक तहम्मुल और बर्दाश्त से निकल के तशद्दुद और अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं, इसका हमारा पूरा तरबियती निज़ाम, इसमें मिंबर और मेहराब का भी एक रोल किरदार है, एक मीडिया का भी है, हमारे करिकुलम और तालीमी निसाब का भी है। इसमें इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस हवाले से कोई एक आला सती का इस तरह का कोई कमीशन हो, कोई थिंक टैंक हो जो कि इन सारी चीज़ों पर गौर करे कि ये जोल कहाँ है, ये गलती कहाँ है, ये कहाँ से इस तरह हम इस तरफ जा रहे हैं। खासकर हमारा नौजवान नस्ल और जो अभी मैदान अमल में आ रहे हैं हमारे नस्ल, उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तशवीश है। कादरी साहब, आप कह रहे हैं कि आपको तशवीश है इस बात की और हमें गौर करने की ज़रूरत है कि नौजवान नस्ल जो है उसमें अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ता जा रहा है, लेकिन TLP का वाक़या भी हमारे सामने ही है ना, वो भी सड़कों पर निकले ये साबित करने के लिए कि हम ज़्यादा बेहतर मुसलमान हैं। फिर आपको वज़ीर आज़म को सबको स्टेटमेंट देना पड़े कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम सब करते हैं, उनका जो तरीका है जो रियासत को चैलेंज करने का वो तरीका गलत है। ये सब आप लोगों ने बातें की, लेकिन फिर बाद में उनके साथ मुज़ाकरात भी किए। मुज़ाकरात आपको पता है पाकिस्तान की जो गवर्नेंस का सिस्टम और निज़ाम है उसमें मुज़ाकरात भी हालात कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। गाहे बगाहे से इस्तेफादा तो किया जा सकता है, लेकिन किसी तौर पर स्टेट जो है उनकी इन ख्यालात का, इन पुरतशद्दुद रवियों का, जिसमें वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पर किसी की जान लेते हैं, इसकी तो स्टेट कहीं पे सपोर्ट नहीं कर सकती ना उसको कबूल कर सकती है। और मैंने कल ट्वीट में जब इस पे मैंने किया तो उसमें मैंने यही लिखा है कि इस वाक़े से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत की रूह को बड़ा टेस और तकलीफ पहुंच गया होगा जो उनके नाम पर या उनके नामूस और हुर्मत पे इस तरह का पुरतशद्दुद वाक़या हो गया। कादरी साहब, एक मामला तो है कानून को अपने हाथ में लेने का, लेकिन एक और अहम इशू है जिस पे आप जरा हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि कोई शख्स या ग्रोह अपनी समझ या ना समझ के मुताबिक कैसे किसी दूसरे पे तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा सकता है। कल का जो वाक़या था पोस्टर हटाने का मामला, उसमें अगर उस शख्स की ये नीयत ना हो कि मैं किसी के जज्बात को, मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहा हूँ, तो वो कैसे फिर तौहीन मजहब के जुमरे में आ सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स अपनी लाइलमी में ऐसा फेल करता भी है और उसको एहसास दिलाने पे वो माजरत भी कर लेता है, तो फिर वो कैसे मुर्तकिब हो सकता है तौहीन मजहब का। मैं आपको बताऊं जी, जिस मुल्क में अगर किसी ने इस नीयत से भी किया है कि मजहब की खुदा न खास्ता तौहीन का उनका कोई इरादा था या कोई शायबा इसमें पाया जाता था या खुदा न खास्ता तौहीन रसालत का, तो हमारी जिस मुल्क में जो इस्लामी मुल्क है और जिसके 295C और D और B और A मौजूद हैं और उसमें तौहीन मजहब और तौहीन रसालत के हवाले से वाज़ेह क़वानीन है, वहाँ पे न तो किसी के केस का इंदराज किया, न कोई अदालत की तरफ गया, न इंतजामिया की तरफ गया। तो इस तरह की चीज़ों को सिर्फ इल्ज़ाम लगा के, वो तो कल आपके खिलाफ भी लगाया जा सकता है, मेरे खिलाफ भी लगाया जा सकता है, जो कट्टर मजहबी पैरोकार है वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के इकदाम कर सकते हैं, इल्जामात लगा सकते हैं। इस रवैये को किसी तौर पर अगर मजहब का इसका कोई नाम इस्तेमाल करता है या मजहब का आड़ लेता है, आड़ में इस तरह के गुनाहों कार्रवाई करता है, किसी तौर काबिल कबूल नहीं। और कादरी साहब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी इस पर बहुत बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी भी बना रहे हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से बताया जाएगा, उनकी जो तालीमात हैं उस हवाले से नौजवान नस्ल को बताया जाएगा। बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन अब हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर, उलमा की सतह पर इस बात को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है ना कि कोई शख्स किसी दूसरे पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाए, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके साथ रियासत सख्ती से निपटे। फिर बिल्कुल माँ, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का, और उसमें उनका मकसद यही है कि जो मुल्क की नई नस्ल का जो फिक्री और तरबियती निज़ाम है उसका किबला दुरुस्त किया जाए और निसाब में, गैर निसाबी हवाले से, तमाम हवालों से जो ज़हनी इस्लाह है वो हो जाए, और साथ हुकूमत भी और बल्कि जो नॉन स्टेट जितने भी हमारे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसमें मिलजुल कर इस पे बात करें। उलमा भी खुल कर, मतलब है कि उस मसलहतों से काम न लें और खुल कर इस पे बात करें कि ये जो रवैये हैं ये अक्कासी किसी तौर पर हमारे मजहब और दीन और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नहीं कर रहे। जी, और काज़ साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत इस पर रिएक्शन आ रहा है, हर सतह पर रिएक्शन आ रहा है, मजम्मत इसकी हो रही है, चाहे सरकारी सतह पे हो, सियासी सतह पे हो, मजहबी रहनुमा इसकी मजम्मत कर रहे हैं, एक बहुत शदीद रिएक्शन आ रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक गैर मुल्की, एक श्रीलंकन शहरी थे जो कल बेदर्दी से मारे गए, या हमें वाकई एहसास है कि हमारी सिमत गलत है, हम गलत तरफ जा रहे हैं और हमें अपना जो डिस्कोर्स है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, बहैसियत मुसलमान भी और बहैसियत पाकिस्तान भी ये ऐसा वाक़या है कि मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ इस पर, बहैसियत मुसलमान भी कि हम इस पर क्यों, ये होने क्यों दिया, ये कैसे हो गया एक ऐसी रियासत में जो कि जिसका आइन, जिसकी बानी पाकिस्तान के फरामीन वाज़े तौर पर अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उनकी मजहबी आज़ादियों की बात करते हैं, और बिलखसूस इस वक्त जिस वक्त हमारे श्रीलंका के साथ सार्क कंट्रीज में जो हमारे एक बेहतरीन और खुशगवार ताल्लुकात है, उसके एक शहरी को इस तरह जो है तशद्दुद करके उसको हलाक करना, और फिर ऐसे हालात में कि अमेरिकन कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उन ममालिक में है जिसमें मजहब के हवाले से कोई स्पेशल कंसर्न है और ख़ास इस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। मतलब कि वो उन तमाम शकूक व शुबहात को इस तरह के वाक़यात तक़वियत देती है और पाकिस्तान के लिए बदनामी और रसवाई का बायस बनती है।